तो हेलो व्हाट्सअप गाइस, फिर से आप सभी का स्वागत है एक नए वीडियो में। दोस्तों काफ़ी सारे यूट्यूबर्स कमेंट कर रहे थे कि भाई मेरा डॉलर इंक्रीज हो रहा है लेकिन ड्रॉप हो जा रहा है। मेरे भाई क्यों ड्रॉप हो रहा है? तो आज की इस वीडियो में ए टू जेड बताऊंगा किस गलती के कारण आप लोगों का डॉलर ड्रॉप हो जा रहा है। तो मेरे भाई जिनका डॉलर ड्रॉप हो रहा है इस वीडियो को ध्यान से देखिएगा, ये वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलिए बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है, अगर आप इस चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर आपको इसी तरह का कॉन्टेंट देखने को मिलेगा। तो मेरे भाई डॉलर ड्रॉप होने का कई कारण होते हैं। पहला कारण तो यह है कि अगर आपके वीडियो पर कम व्यू आ रहा है और आप CPM वर्क कर रहे हो, जैसे कि 5 व्यू हो गया, 10 व्यू आ रहा है और आप लोग CPM वर्क कर रहे हो, तो आपका डॉलर ड्रॉप होगा, 100% ड्रॉप होगा। और आपको दूसरा गलती है कि आपको लगातार CPM वर्क बिल्कुल भी नहीं करना है मेरे भाई। अगर आपके चैनल पर कुछ व्यू आ रहा है तभी आपको CPM वर्क करना है। अगर आपके वीडियो पर 50 व्यू, 60 व्यू, 100 व्यू नहीं आ रहा है तो मेरे भाई मत करो CPM वर्क, नहीं तो आपका डॉलर ड्रॉप हो जाएगा। अगर आप 2-3 घंटा लगा करके CPM वर्क कर रहे हो और आपका डॉलर ड्रॉप हो जा रहा है तो समझिए आपका समय बर्बाद हो रहा है। आप फोकट में अपना समय बर्बाद मत कीजिए। और जिनके चैनल पर कम व्यू आ रहा है, जैसे कि 5 व्यू आ रहा है, 10 व्यू आ रहा है, और किसी यूट्यूबर्स का तो भाई के उनके वीडियो पर व्यू ही नहीं आता है, तो उनके कैसे व्यू लाना है नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो में उसका सोल्यूशन बताऊँगा कैसे आपको व्यू बढ़ाना है मेरे भाई, कैसे आपको व्यू लाना है अपने वीडियो पर, ताकि आप लोग CPM वर्क कर सको। क्योंकि जब तक आपके वीडियो पर 50 व्यू, 100 व्यू नहीं आएगा तब तक आप लोग CPM वर्क नहीं कर सकते मेरे भाई, आपका डॉलर ड्रॉप हो जाएगा। तीसरा पॉइंट यह है कि आपको RPM और CPM को मेंटेन करके CPM वर्क करना है मेरे भाई। अगर आपका RPM ज़्यादा हो रहा है और CPM कम हो रहा है तो आपका डॉलर ड्रॉप हो जाएगा और इससे ऐड का भी प्रॉब्लम आता है। तो आपको ये मेंटेन करके CPM वर्क करना है मेरे भाई। और किसी वीडियो पर, जैसे कि आपके वीडियो पर एक वीडियो है जिसपे आपका अच्छा खासा व्यू आ गया और बाकी सारे जो वीडियो है उस पर कम व्यू आ रहा है, और आप लोग उस पर जिसपे ज़्यादा व्यू है उस पर आप लोग दबा करके CPM वर्क कर देते हैं, जिसके कारण आपका डॉलर ड्रॉप हो जाता है मेरे भाई। और कुछ कुछ गलती यूट्यूबर से भी करते हैं, जैसे कि वो रेगुलर वीडियो अपलोड नहीं कर रहे हैं और उनका पिछला का वीडियो है, जैसे कि 1 मंथ हो गया, 2 मंथ हो गया, वो ऐसे वीडियो पर CPM वर्क करते हैं और जो लेटेस्ट वीडियो है उन पर वीडियो पर व्यू ही नहीं आ रहा है, ऐसे में भी भाई डॉलर ड्रॉप हो जाता है। तो आपको मैं ये सब गलती नहीं करना है। अगर आप CPM वर्क करना है तो प्रॉपर आपके वीडियो पर कम से कम 50-100 व्यू आना चाहिए, तब जा करके आपको CPM वर्क करना है। प्लस आपको दूसरा बात यह है कि आपको RPM CPM को मेंटेन करके CPM वर्क करना है। अगर आपका RPM, जैसे कि मान लीजिए अगर RPM आपका 2 है तो CPM आपका 4 होना चाहिए, इस तरह आपको मेंटेन करके CPM वर्क करना है। अगर आपका RPM ज़्यादा हो रहा है, CPM कम हो रहा है, तो समझिए आपका डॉलर ड्रॉप होगा या आपके वीडियो पर ऐड बंद हो सकता है। तो ये इन सब गलती के कारण आप लोगों का डॉलर ड्रॉप हो रहा है मेरे भाई। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा मेरे भाई। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए कॉन्टेंट के साथ, तब तक बाय एंड टेक केयर।